खबर अंबेडकर नगर से है, जहां कल जनपद अंबेडकर नगर में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण संपन्न कराने को लेकर जनपद पुलिस द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए पुलिस प्रबंध व संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान स्थलों पर विशेष तैयारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर डॉक्टर कौस्तुब द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल हमारे यहाँ 1899 बूथों पे मतदान की कार्रवाई होनी है। इसके दृष्टिगत सभी पोलिंग और पुलिस पार्टियों को आज डिस्पैच सेंटर से रवाना किया जा रहा है। सभी गाड़ियों में, जैसा आपको विदित है, ECI के नॉर्म्स के अनुसार GPS की व्यवस्था भी की गई है। हमारे सभी के सभी बूथ जो हैं वो AMF से युक्त हैं। वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। थाने स्तर से भी उनका भ्रमण और सारी की सारी तैयारियाँ हमारी पूरी तरह से तैयार हैं। 48 घंटे के अंदर हमारे जो बैरियर एक्टिव होते हैं, जो अंतर जनपदीय बैरियर एक्टिव होते हैं, और साथ में हमारे जनपद के अंदर जो बैरियर एक्टिव वो एक्टिव कर दिए गए हैं, और लगातार हमारी पुलिस की जो ECI के मानक अनुरूप कार्रवाई है वो जारी है। संवेदनशील बूथों के लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, हमारे सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा हमारे पूरे जनपद में 109 क्रिटिकल बूथों को चिन्हित किया गया है। इसके इतर भी जो है, जहाँ भी हमें हल्की सी भी संवेदनशीलता प्रतीत हुई है, वहाँ पे CAPF की डिप्लॉयमेंट की गई है। और इसके साथ साथ हमारे पास PAC की 3 कंपनियां, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। और हमारे थाने के स्तर से भी कई लेवल की जो है QRTs बनाते हुए इनमें उनको एक्टिवेट किया गया है। हर एक थाना क्षेत्र में कम से कम 20 से लेके 40 गाड़ियों के बीच में कानून व्यवस्था संबंधित पुलिस की गाड़ियां मतदान के दिन उपलब्ध रहेंगी, जो लगातार 2 से 5 मिनट के अंदर हर बूथ पर और हर इवेंट पर रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार। कोई अप्रिय घटना निपटने के लिए सर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि आपको विदित कराया गया है कि जहां हमें अपना हमारे जनपद से तो सारी फोर्स लगी हैं, हमें बाहर से पर्याप्त संख्या में फोर्स मिली है, और एक विस्तृत कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स प्लान बनाया गया है सभी थाना क्षेत्रों में, जो हमारी रिजर्व्स हैं उसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में 20 से लेकर 40 कानून व्यवस्था के संबंधित गाड़ियाँ डिप्लॉय की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक थाना क्षेत्र में जहाँ 20 से 40 गाड़ियाँ होंगी, तो वहाँ पर हर इवेंट पर तत्काल पहुंचने के लिए हमारा रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखते हुए कठोर कार्रवाई करने के लिए भी टीमों को तैयार किया। कोई अराजक तत्व के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? देखिए, पुलिस द्वारा पूरे आचार संहिता के दौरान विस्तृत कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 107 गैंगस्टर की कार्रवाई, लगभग 500 से ऊपर गुंडा की कार्रवाई और हजारों की संख्या में 107 की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पुलिस द्वारा जहां कहीं भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी लोगों को चेतावनी देने की जरूरत है, वहां चेतावनी कार्ड के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष, शुचितापूर्ण और सुगम चुनाव हमारे जनपद अंबेडकर नगर में कराया जाए। थैंक यू।